में हम अपना स्क्वायर रूट ऑफ 102 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। उसने यहाँ पे आपको क्या करना है, दो अंकों को अंडरलाइन कर दे, फिर आगे बढ़े, आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर आ गया, कितना, वन। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें अपना एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है यहाँ जो आपका अंदर आया, कितना, वन, जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका इसके बराबर रहना चाहिए या इससे छोटा। जैसे हमने अपना वन मल्टीप्लाई वन किया, कितना आ रहा है, वन, जो इसके इक्वल टू है। यानी हमने इस वन के लिए किसको ले लिया, वन मल्टीप्लाई वन को ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, वन माइनस वन कितना, जीरो आ गया। अगला जो आपका टू डिजिट का नंबर है इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना बन गया आपका, टू, ओके। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का मल्टीप्लाई करें कि हमें टू मिलना चाहिए। दोस्तों यदि इसके साथ वन लेते हैं, वन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आपका 21 आ रहा है जो ग्रेटर देन टू है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको लेते हैं, जीरो को लेते हैं, जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, जीरो आ गया। हमने किसको लिया, जीरो को, फिर इसको ऐड कर दिया, इसको माइनस करना है, जैसे यहाँ पे किया ना प्लस माइनस, वो सेम तरीका यहाँ पे काम में लेना है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, दो दो जीरो को इस प्रकार से एक साथ लो, अंडरलाइन कर दो, जैसा यहाँ पे हमने टू डिजिट को एक साथ लिया, अंडरलाइन किया, फिर टू डिजिट को एक साथ लेके आए, ठीक वैसा ही यहाँ करना है। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इन 00 को यहाँ ले आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसके साथ एक लेते हैं, एक का गुणा करते हैं, तो भी आपका इससे बड़ा आ रहा है, ये कितना 200 है। यहाँ एक लिया, एक का गुणा कर दिया, कितना, 201 आ गया, जो आपका देखिए 200 से बड़ा है। ऐसी कंडीशन में फिर हमने यहाँ पे ज़ीरो ले लिया, कितना आ गया, ज़ीरो, ज़ीरो को यहाँ लिख दिया, फिर इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, माइनस करते जो संख्या आई है इसके साथ अगले 00 ले आना है। अब देखिए विचार करिए, इसके साथ हम जैसे 9 लिया, 9 का गुणा किया, कितना आ गया, 99 81 और 0 और 18, ठीक है। हाईएस्ट हम 9 को ले सकते हैं, तो ये आपका फिर माइनस करना है, प्लस करना है, यह स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। धन्यवाद।